जहाँ वो मशीन बना है वहाँ से गलत मशीन बन गया होगा, लाइन लेंथ उसका सही नहीं होगा, इसीलिए रिंकल बन रहा है। और वो क्या करते हैं कि उसे टाइट कर देते हैं और बाद में क्या होता है, नट टूट जाता है या फिर डाई टूट जाता है। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है कि बिजनेस हो या लाइफ, जुड़ना बड़ी बात नहीं है, जुड़े रहना बड़ी बात है। बड़े लेवल पे बिजनेस हो या छोटे लेवल पे बिजनेस हो, लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक जुड़े नहीं रह पाते हैं। और अगर आप छोटा बिजनेस कर रहे हैं या बड़ा बिजनेस कर रहे हैं या किसी भी प्रकार से अगर जुड़ रहे हैं और लॉन्ग टाइम अगर आप एक दूसरे से जुड़ कर नहीं रहिएगा तो आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाइएगा, आपका बिजनेस कभी भी सही तरीके से चल नहीं पाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप किसी प्रकार का बिजनेस करते हैं, मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर उसमें अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो टाइम पे अगर उस प्रॉब्लम का आकर सॉल्यूशन न दूर हो तो वो प्रॉब्लम बहुत बड़ा बन जाता है। सपोज डैट कि आप अगर मशीन को चला रहे हैं और अगर वो मशीन ख़राब हो गया और समय पर नहीं बनेगा और आपका मशीन सही समय पर नहीं बनेगा, ऑर्डर समय पर पूरा नहीं होगा, तो मशीन से लेकर और मार्केट तक आपका जो है वो बिजनेस का लेवल जो है नीचे गिर जाएगा और उसमें आप फेल हो जाइएगा। इसीलिए जुड़ना बड़ी बात नहीं है, लॉन्ग टाइम तक जुड़े रहना बड़ी बात है। दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते टीच में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एज ए टेक्नीशियन मैं आपको पेपर प्लेट मेकिंग मशीन से रिलेटेड ऑल इन वन लेमिनेशन सभी मशीनों के इंस्टॉलेशन तरीका बताता हूँ और आप लोग मुझे प्रॉब्लम बताते हैं तो मैं उसका सॉल्यूशन देता हूँ। और बहुत सारे लोग कॉमन कमेंट किए हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है पेपर प्लेट मशीन को चलाने में, चाहे वो हाइड्रोलिक मशीन हो या फिर क्रैंक मशीन हो, तो वो क्या प्रॉब्लम है जो कमेंट में लोग किए हैं, इसका मैं सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ। अगर आपके मशीन में भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजबल वीडियो को। दोस्तों फर्स्ट कमेंट जो है वो है पंकज जी का। पंकज जी लिखते हैं कि जितेंद्र जी आप ये बताइए कि बफर प्लेट बनाने के लिए जो मशीनें हैं उस मशीन को जो है हीटिंग कितना देर तक रखना है और कितना देर तक उसको होल्ड करके रखना है और अब कब करना है, तो इसके बारे में वो वीडियो बनाने के लिए मुझे रिक्वेस्ट की है। तो मैं कहना चाहूँगा कि इसके ऊपर मैं बहुत जल्द एक वीडियो बना दूंगा कि आखिर बफर प्लेट होता क्या है, बफर प्लेट में कौन सा हीटर चाहिए, डाई को किस प्रकार से कसना है, वो एक जानकारी मुझसे पूछे हैं, मैं उसमें दो तीन पॉइंट जोड़ करके पूरे सटीक रूप से मैं जानकारी दूंगा। नेक्स्ट जो हमारा कमेंट है वो है प्रमोद जी लिखते हैं कि लेमिनेशन मशीन कौन सा लेना चाहिए जिससे रोल गीला ना हो। तो देखिए कोई भी लेमिनेशन मशीन ले लीजिएगा और आप सही रूप से उसे नहीं चलाइएगा तो रोल उसका ख़राब आएगा ही, उसका रिंकल बनेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप सही रूप से नहीं चला रहे, ये भी हो सकता है कि जहाँ वो मशीन बना है वहाँ से गलत मशीन बन गया होगा, लाइन लेंथ उसका सही नहीं होगा इसीलिए रिंकल बन रहा है। तो बेस्ट मशीन मैन्युफैक्चर अगर लेमिनेशन मशीन देखना चाहते हैं तो आप कृष्णा इंटर में विजिट कर सकते हैं, कृष्णा इंटरप्राइज का एड्रेस जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इनको मैं यही कहना चाहूँगा कि लेमिनेशन मशीन आप जब भी परचेज कीजिए तो आप उसका साइज 32 इंच का होना चाहिए और उसका लाइन लेंथ बेलन का क्वालिटी आप जांच करके ही जो है आप मशीन को परचेज कीजिए। अगला कमेंट जो है वो है हेमंत श्रीवास्तव जी का। ये लिखते हैं कि नीचे डाई का स्प्रिंग काटना है या ऊपर डाई का, मतलब स्प्रिंग कहाँ होता है। तो देखिए डाई में स्प्रिंग जो होता है वो ऊपरी वाला भाग में स्प्रिंग होता है, वही स्प्रिंग के कारण क्या होता है कि डाई जब पंच करता है तो तीन या चार नट जो रहता है वो नट उठता बैठता है। बहुत सारे लोग नया लोग क्या करते हैं कि डाई के स्प्रिंग में देखते हैं कि वो जब डाई पंच करता है तो नट उठता है तो उन्हें लगता है कि ये लूज है और वो क्या करते हैं कि उसे टाइट कर देते हैं और बाद में क्या होता है नट टूट जाता है या फिर डाई टूट जाता है। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, वो स्प्रिंग ही लगा हुआ रहता है जिस वजह से नट ऊपर नीचे होते रहता है, वो कोई लूज नहीं रहता। तो डाई का जो स्प्रिंग होता है वो ऊपरी भाग वाला डाई में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट कमेंट है वो है शशांक जी का। ये लिखते हैं कि भाई हीटर बार बार ठंडा क्यों हो जाता है। तो देखिए जाहिर सी बात है किसी भी हीटर में उसका हीटर कंट्रोल आप सही तरीके से नहीं करके रखिएगा तो वो बार बार ठंडा हो जाएगा। उस जगह ये भी हो सकता है कि आपका जो हीटर कंट्रोलर है वो हीटर कंट्रोलर जो है वो
शॉर्ट हो चुका है, इसी वजह से जो है वो हीटिंग को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो क्या हो जाता है, बार बार ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं, तो ये लिखते हैं नीरज भाई कि भाई साहब इसका वेस्टेज कहाँ, कैसे और क्या प्राइस में बिकेगा। इनका पूछना है कि पेपर प्लेट का जो वेस्टेज होता है या बफर प्लेट का, ये कहाँ बिकता है। तो ऐसे नॉर्मली मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ और यहाँ कबाड़ी वाला जो होता है, जो छोटे मोटे गांव में घूमते हैं वो कबाड़ी वाला नहीं, जो बड़े लेवल पे कबाड़ी वाला होता है वो कबाड़ी वाला इसको जो है परचेज कर लेता है। इसका रेट जो है अप्रॉक्स 10 रुपये केजी से लेकर के और 12 रुपये केजी तक जो है रहता है। दिन प्रतिदिन रेट इसका बढ़ता भी है और घटता भी है, तो ये मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा। बात रहा कि ये कचरा बिकता कहाँ है, तो आप जिस एरिया में अपने मशीन को चला रहे हैं उस एरिया में आप ये देखिए कि आप जहाँ मशीन चला रहे हैं वहाँ जो है बड़े लेवल पे जो कबाड़ी का काम करते हैं वो कहाँ है, और उनसे जा कर के बात कीजिए और टाइप कीजिए, आपका जो है वहाँ सेल हो जाएगा। दोस्तों अगला जो कमेंट है वो लिखते हैं अमित जी, वो लिखते हैं कि भाई स्प्रिंग को कैसे चेंज किया जाता है, यानी कि आपका पेपर प्लेट मशीन का अगर स्प्रिंग टूट जाए तो उसे कैसे चेंज किया जाता है, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो आपने बहुत अच्छा कमेंट किया है और इसे चेंज करना काफ़ी आसान है। आप क्या कीजिए कि स्प्रिंग को पहले पिलास से क्या कीजिए कि उसे इस प्रकार का सीन दीजिए और आसानी से आप फंसा दीजिए। अगर ये आपसे नहीं हो रहा है तो मैं इसके ऊपर, मुझे समय दीजिए, मैं इसको ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। अगला कमेंट की तरफ बढ़ते हैं सीताराम पंडित जी का, ये लिखते हैं कि भाई मेरा जो बेलन है वो जाम हो जाता है, यानी रूला जो पेपर खींचने वाला रूला है वो जाम होता है। तो जाम होने का फर्स्ट कारण होगा कि आपका जो ऊपरी भाग वाला जो नट होगा वो नट क्या होगा, वो नट आपका फुल जो है टाइट होगा, इसलिए वो क्या हो रहा है, जाम हो रहा है। अन्यथा उसमें जो बैरिंग लगा हुआ है वो बैरिंग जो है ख़राब हो चुकी है या उसमें आप सही तरीके से ग्रीसिंग नहीं किए हैं, इसीलिए क्या हो रहा है कि वो जाम हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ, तो वो लिखते हैं रोहित जी, ये लिखते हैं कि भाई मेरा जो बेलन है वो टेढ़ा हो गया है, तो बेलन टेढ़ा होने का क्या कारण है। तो देखिए बेलन क्या होता है कि कभी कभार मशीन चलते चलते क्या होता है कि कोई नट आप ज़्यादा लूज कर देते हैं बेलन वाला और कोई को है ज़्यादा टाइट कर दे, तो ये क्या हो जाता है कि ये स्थिति जो है आपका एक तरफ ज़्यादा झुक जाता है एक तरफ कम, और लगातार चलने की स्थिति में वो उसी दिशा में मुड़ जाता है, इसी कारण से बेलन ख़राब हो जाता है। ये तो हुआ आपके गलती से। और दूसरा क्या है कि अगर मशीन में ओरिजिनल बेलन नहीं लगाया गया या बेलन लगाने के वक्त वो टेढ़ा सापट वाला ही अगर उसमें लोहा दिया गया तो वो क्या करेगा, आगे चल के आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और जब आप मशीन को चलाइएगा तो वो बेलन टेढ़ा हो जाएगा और आपका पेपर कभी इधर भागेगा कभी इधर भागेगा, यानी आपको प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज जो मैं ये कमेंट लेकर के आया हूँ, ये बहुत सारे लोग मुझे जो कॉमन कमेंट है जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता था लोगों को वो पूछते हैं, तो आपको भी अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए, तभी मैं उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे पाऊँगा। और बहुत सारे लोग मुझे ये भी बताते हैं कि मैं बकवास करता हूँ, तो मेरे बकवास से ही बहुत सारे लोगों का मशीन चलता है, बहुत सारे लोगों का ऑर्डर पूरा होता है, इसीलिए मैं बकवास करता हूँ। और आपका बहुत शुक्रगुजार है जो मुझे कम से कम ये तो लिख रहे हैं कि मैं बकवास करता हूँ, तो आपको भी धन्यवाद जो वो लिख रहे हैं कि बकवास कर रहे हैं, और उनको भी धन्यवाद जो अपना हर्ट दे रहे हैं, और उनको भी धन्यवाद जो अपना पर्सनल जो अपना प्रॉब्लम हमारे कमेंट सेक्शन में बताते हैं, और मुझे भी मौका मिलता है कि उस प्रॉब्लम पे मैं अध्ययन करूं, उस प्रॉब्लम के बारे में जानूं, उस प्रॉब्लम के बारे में समझूं और आप लोगों को बताऊं, तो आपका भी प्रॉब्लम सही होगा और मेरा भी प्रॉब्लम सही होगा, तभी जो है आपका भी बिजनेस चलेगा और मेरा भी वीडियो चलेगा, और एक दूसरे का, जब तक मैं शुरुआती ही धर्म में बोला हूँ कि जुड़ना बड़ी बात नहीं है, जुड़ तो लोग आसानी से जाते हैं लेकिन बिजनेस में लॉन्ग टाइम तक जुड़े रहना बड़ी बात होती है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।